बड़े बड़े नेता जो अपने आप को तुर्रम खां समझते हैं, वो भी ये कोविड-19 उनको खड़ा कर दिया जमीन पर। कोरोना की वजह से इस बार का विधानसभा चुनाव काफी फीका है। प्रत्याशियों की घोषणा के बाद जहां छोटे बड़े नेता जनसभा करके भीड़ में अपना प्रचार करते थे, वो तस्वीर इस चुनाव में देखने को नहीं मिल रही। गांव-गांव में प्रत्याशी लोगों के घर जाकर जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना की वजह से तो भीड़ और जनसभा तो हो नहीं पा रही है, इसलिए केवल चल चल करके ही वोट मांगना पड़ रहा है। अब इसके लिए चुनौती तो है ही है कि जो चीज सभा के माध्यम से हो जाता था, वो तो अब दरवाजे दरवाजे जा करके ये महामारी की वजह से ये तो करना ही पड़ेगा। और ये जब बड़े बड़े नेता लोग कर रहे हैं, तो हम लोग तो अभी छोटे हैं और एक विधानसभा से कर रहे हैं। ये हंडिया विधानसभा का गांव है। सुबह नेताजी घर से निकलते हैं और गांव-गांव घूमकर लोगों से वोट मांगते हैं। हंडिया के बसपा प्रत्याशी मुन्ना त्रिपाठी का तो पूरी दिनचर्या ही बदल गई है। अब वो पूरे समय गाड़ी के बजाय पैदल ही चलकर लोगों के घर जाते हैं। ये सिलसिला देर रात तक चलता है। गांव की सारी जो दरवाजे दरवाजे नहीं जाते थे, इस बार बड़े से बड़े नेता सारे वोटरों के सारे गांव में पैदल जा रहे हैं। और ये कोरोना जो आ गया, इसने करवाया है और किसी ने नहीं करवाया। अगर ये कोविड-19 का वो न होता तो कोई दरवाजे थोड़ी नहीं जाता, एक जगह नौकर से भीड़ इकट्ठा करके अपना बात कहते और चले जाते। इस समय तो दरवाजे दरवाजे लोग घूम रहे हैं और बड़े बड़े नेता जो अपने आप को तुर्रम खां समझते हैं, वो भी ये कोविड-19 उनको खड़ा कर दिया जमीन पर ले आकर के। हंडिया विधानसभा में 3.5 लाख वोटर हैं, जिसमें से 1.5 लाख ब्राह्मण वोटर। ऐसे में कई पार्टियों ने ब्राह्मण उम्मीदवारों को उतारा है। उनको लगता है कि बीजेपी से ब्राह्मण नाराज, लिहाजा वोट उनको मिलेगा। सत्य के लिए एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्त, एक सत्य है जिसको सारे लोग स्वीकार करना चाहिए और वो सत्य है लोकतंत्र। इसमें हम लोगों ने बहुत इस लोकतंत्र को बूढ़ा कर दिया, 75 साल उम्र हो गई लेकिन इसकी जवानी नहीं दिखी, क्योंकि यहाँ के बच्चे भूख से मरते हैं, यहाँ के नौजवान बेरोजगार हैं। ये कैसा देश बनाना चाह रहे हैं? उन शहीदों के सपनों को पूरा कर नहीं पा रही भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय झूठ पार्टी हो चुकी है। और ये केवल जुमलेबाजी जान रहा है कि योगी ठाकुर एकदम नंबर एक के ठाकुरवाद हैं, उसमें कोई और आप लोगों को भी देखने को मिल रहा है। वो पूरे गांव के पूरे प्रदेश के लोग जानते हैं, केवल चुन चुन करके ब्राह्मणों को ही पीटा जा रहा है, ब्राह्मणों की हत्या करवाया जा रहा है और लगभग 538 की 548 ब्राह्मणों की हत्या हो चुकी है इस 5 वर्ष में। कोरोना के भीड़ की सीमित संख्या और डोर टू डोर का प्रचार करने का तरीका नेताओं को मुश्किल जरूर लग रहा है, लेकिन इससे मतदाताओं में ज्यादा उत्साह है। पहले नेता उनको सभा में बुलाते थे, अब नेता खुद उनके दरवाजे पर सुबह शाम दस्तक देते हैं।